Hey guys, my name is Abdul Rashid और आप देख रहे हैं इंडियन बजट गेमर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। आप में से जो लोग मेरी वीडियोस रेगुलर देखते हैं ना, उन लोगों को ये चीज मालूम होगी कि जो पेरिफेरल्स मैं अपने पर्सनल सेटअप में यूज करता हूँ ना, वो थोड़े से हाई एंड होते हैं। जैसे कि कूलर मास्टर का ये माउस हो गया, लॉजिटेक का कीबोर्ड हो गया, सॉरी कॉर्सर का कीबोर्ड हो गया और हाइपरएक्स का हेडसेट हो गया। लेकिन यहीं पर एक एंट्री होती है फिर ब्रांड्स लाइक Zebronics। Zebronics ने कुछ टाइम पहले बहुत ही बजट सेगमेंट के पेरिफेरल्स बनाए थे। वो बेसिकली ये चाहते थे कि मैं अपने हाई एंड पेरिफेरल्स थोड़े टाइम के लिए रिप्लेस कर दूं विद देयर बजट पेरिफेरल्स, ताकि मैं भी अपना एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर कर सकूं कि अगर आप लोग बहुत एक्सट्रीमली बजट सेगमेंट के पेरिफेरल्स यूज करते हो गेमिंग के लिए, तो यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस कैसा होगा। अब एक काम करते हैं, देखते हैं यहाँ पर हमें Zebronics ने क्या क्या भेजा है, एक एक करके सबको अनबॉक्स करते हैं, फिर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर भी करते हैं। अब फर्स्ट पेरिफेरल जो यहाँ पर हमें भेजा गया ना, वो है Zebronics का Zeb Broza गेमिंग माउस। इस माउस के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ ना, तो ये माउस करंटली अमेजोन पर आपको 850 रुपये का मिल जाता है। और खास चीज इस माउस की ये है ना कि यहाँ पर आपको अप टू 3200 DPI का जो है सपोर्ट देखने को मिलता है, 7 बटन्स देखने को मिलते हैं और हाँ एडजस्टेबल वेट भी है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपको लुक कैसा मिलता है, डेडिकेटेड DPI बटन भी है, यहाँ पर रबर वाला स्क्रॉल व्हील है और 7 बटन्स हैं। आई डोंट नो ये प्रोग्रामेबल है कि नहीं, और साइड में आपको RGB भी देखने को मिलती है। फर्स्ट इंप्रेशन के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ ना, बिल्ड क्वालिटी आपको कैमरा में कैसी दिख रही है इस चीज़ के बारे में तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ 850 रुपये के हिसाब से बिल्ड क्वालिटी ठीक है। हालांकि ग्रिप में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, मेरे हाथ के ये माउस ना बिल्कुल परफेक्ट आता है, और इनकेस अगर आपको हैवी लगता है तो यहाँ से आप नीचे से वेट को भी एडजस्ट कर सकते हो। नाउ यहाँ पर हमारा सेकंड प्रोडक्ट अनबॉक्स करते हैं, जो कि है Zebronics का क्रोमा गेमिंग माउस, गेमिंग कीबोर्ड, सॉरी कीबोर्ड। इस कीबोर्ड के बारे में बताऊँ ना, तो ये कीबोर्ड बहुत ही कॉस्टली कीबोर्ड है और Zebronics को देखते हुए तो भाई बहुत ज़्यादा मुझे कॉस्टली लगा पर्सनली। इसके प्राइस के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ ना, तो ये कीबोर्ड करेंटली अमेजोन पे 5500 रुपये का मिल रहा है, और 5500 रुपये की रेंज में अगर आप कीबोर्ड लेने जाते हो ना, तो आपको और भी दूसरे ब्रांड की तरफ के कीबोर्ड मिलते हैं जो कि इससे अच्छा कंपटीशन दे सकते हैं। इस कीबोर्ड के बारे में Zebronics ने मुझे बताया है कि ये फुल साइज कीबोर्ड है, और यहाँ पर आपको रिस्ट रेस्ट भी देखने को मिल रहा है, जो कि लॉन्ग सेशन की गेमिंग के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। इस कीबोर्ड में यहाँ पर आपको RGB भी देखने को मिलने वाली है, हालांकि सॉफ्टवेयर के थ्रू कस्टमाइज नहीं कर सकते आप इसे, यहाँ पर आपको मैक्रो कीज मिलेंगी, उसी के हिसाब से आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं। बाकी आप में से जो लोग ये जानने में इंटरेस्टेड है कि इस कीबोर्ड में कीज कौन से यूज़ करी गई, तो आपको बता दूं, यहाँ पर बाय साउंड ही आप बता सकते हो कि ब्लू स्विचेस यूज़ किया गया है, और जो जिस ब्रांड का यूज़ किया गया है वो है Otemu की ब्लू स्विचेस। Otemu के ब्लू स्विचेस ना यहाँ पर आपको जो है वो करेंटली चीपेस्ट से चीपेस्ट कीबोर्ड मिलती है जो कि आपको ब्लू स्विचेस ऑफर करता है। फॉर एग्जाम्पल 2200 रुपये 2300 रुपये का कीबोर्ड मार्केट में लेने जाते हो ना, तो वहाँ पर भी आपको सिमिलर कीज उन कीबोर्ड्स में भी देखने को मिलती है। यहाँ पर केवल एडवांटेज यही है कि आपको RGB मिल रही है और रिस्ट रेस्ट भी देखने को मिल रहा है। बाकी अब देखना ये है कि ये कीबोर्ड जो है गेमिंग में हमें कैसा एक्सपीरियंस देता है, उसके बाद ही हम लोग इसके वैल्यू के बारे में बात करें। अब नेक्स्ट प्रोडक्ट जो यहाँ पर हम लोग अनबॉक्स करने वाले हैं, वो है Zeb Rush। इस हेडफोन के बारे में बताऊँ तो भाई ये बहुत ही एक्सट्रीमली बजट सेगमेंट का हेडसेट है, जो कि आता है Zebronics की तरफ से। इसकी प्राइस कितनी है, इस हेडफोन की जो प्राइस है ना, वो लगभग है 1050 रुपये, जो कि मैं मानता हूँ बजट सेगमेंट के हिसाब से परफेक्ट है, क्योंकि 1050 रुपये में ना आपको ज़्यादा कंपटीशन देखने को नहीं मिलता। जितने भी यहाँ पर आपको हेडफोन देखने को मिलते हैं ना, वो बिल्कुल अंडू झंडू ब्रांडी की तरफ से देखने को मिलते हैं, और इस प्राइस रेंज पे Zebronics का हेडफोन मिलना ना भाई, मैं मानता हूँ दूसरी ब्रांड को लेने से अच्छा है आप इन्हीं का ही ले लो। बस फर्स्ट इंप्रेशन के बारे में बताऊँ ना, तो भाई ये बहुत लाइट वेट है, हो सकता हो वीडियो में आपको देखने में लग रहा हो कि बहुत हैवी है, लेकिन रियलिटी में ना ये बहुत ही लाइट वेट है, बहुत लाइट वेट है सच में। अगर आप वायर को ऐसे हाथ में उठा लेते हो ना, तो ये हेडसेट आपको बहुत लाइट वेट लगने वाला है। बाकी इस हेडसेट में यहाँ पर आपको ना 40mm के ड्राइवर्स देखने को मिलते हैं, जो कि कैजुअल गेमिंग के लिए ठीक है, और जो इंटरफेस देखने को मिलता है वो है ओहो जी वाला, ये दो वाले देखने को मिलते हैं। तो मोबाइल पर लगाओगे तो माइक नहीं चलेगा, केवल स्पीकर केवल हेडसेट चलेगा। मोबाइल पर चलाने के लिए आपको ये स्प्लिटर भी दिया गया है बॉक्स में, इसका यूज़ करना पड़ता है, तो अगर आप ये यूज़ करने में ज़्यादा कंफर्टेबल हो तो ये भी यूज़ कर सकते हो, या USB यूज़ करना चाहते हो तो USB यूज़ कर सकते हो, या दोनों यूज़ करना चाहते हो तो दोनों यूज़ कर सकते हो। तो आउटपुट का यहाँ पर ना पोर्ट सिलेक्शन के लिए आपको काफ़ी अच्छी चीज़ें दी गई, बाकी RGB भी यहाँ पर देखने को मिलती है।
बाकी लास्ट बट नॉट लीस्ट यहाँ पर जो मैं भेजा गया ना वो है आरजीबी माउस पैड। आरजीबी माउस पैड ठीक होते हैं, अगर आपको आरजीबी का ज़्यादा एडिक्शन है तो आप आरजीबी माउस पैड के साथ जा सकते हो। वैसे मैंने बहुत सारे तो आरजीबी माउस पैड यूज़ नहीं करे हैं, ये मेरा सेकंड आरजीबी माउस पैड है, लेकिन स्टिल मुझे आइडिया ठीक ठाक है। इस माउस पैड के बारे में बताऊँ ना तो क्वालिटी वाइज और थिकनेस वाइज तो मुझे अच्छा लगा, काफ़ी थिक माउस पैड है और स्टिचिंग भी बढ़िया करी गई है नाइलॉन से। बाकी यहाँ पर जो है आपको ये छोटा सा कंट्रोलर देखने को मिल रहा है जिसकी हेल्प से आप आरजीबी को कंट्रोल कर सकते हो, और साइड में यहाँ पर आपको ब्रेडेड केबल देखने को मिल रही है जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है, तो चूहे हुए जल्दी काट इसे नहीं सकते। नौ यहाँ पर उन्होंने सारे पेरिफेरल्स को अपने सेट कर लिया है, माउस, हेडफोन, आरजीबी माउस पैड और कीबोर्ड। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर एक साउंड काउंटर स्ट्राइक का जो है गेम खेलते हैं, दो चार डेथ मैच खेलते हैं, फिर अपना एक्सपीरियंस यहाँ पर आप लोगों के साथ जल्दी से जल्दी शेयर करते हैं। यार पता नहीं क्यों गेम खेलते टाइम मुझे ऐसा लग रहा है कि इस माउस में ना थोड़ी सी ट्रैकिंग की कमी है, जब मैं स्लोली इस माउस को मूव कर रहा हूँ तब ट्रैकिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब आप फ्लिक शॉट मारते हैं ना तो यहाँ पर ट्रैकिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। फॉर एग्जांपल अभी देख सकते हैं आप, फॉर एग्जांपल अगर जैसे मैं अभी फ्लिक शॉट मार रहा हूँ, देखिए माउस मूव नहीं कर, लेकिन अगर मैं धीरे धीरे चला रहा हूँ ना तो यहाँ पर माउस चल रहा है, और यहाँ पर मैं इसको नाइफ करने वाला था मैं मर गया। सो फाइनली यहाँ पर मैंने इतने सारे पेरिफेरल्स को ना टेस्ट कर लिया है, यहाँ पर हमने CS:GO के 4-5 मैचेस खेले हैं, और अब यहाँ पर मैं आपको बता सकता हूँ कि यहाँ पर आपका एटलीस्ट इनिशियल इंप्रेशन कैसा होने वाला है। सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं माउस के बारे में, अगर आप 850 रुपये इस माउस की पे करने वाले हो ना तो मैं कहता हूँ भाई इसको फेंक देना, इससे अच्छा आप HP का कोई जेनेरिक माउस ले लेना, वो इससे बेटर है। भले यहाँ पर आपको कस्टमाइजेबिलिटी मिलने वाली है जैसे कि DPI या आप अपने हिसाब से वेट को कस्टमाइज़ कर सकते हो, लेकिन इसका सेंसर है ना वो मुझे गेमिंग के टाइम बहुत प्रॉब्लम कर रहा था, जैसे कि फ्लिक शॉट मारने के टाइम। अब यहाँ पर मैं ये तो नहीं कह सकता कि ये मेरे केवल मेरे यूनिट में या दूसरे यूनिट में है कि नहीं, अगर सब में ऐसा है तो भाई इस माउस को नहीं लेना, नहीं तो ग्रिप वाइज और DPI वाइज ठीक है। बाकी दूसरे पेरिफेरल के बारे में बताऊँ जो कि है ये हेडफोन ZBrush, 1050 रुपये की इसकी प्राइस है, और ये मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर जो आपको साउंड आउटपुट देखने को मिलने वाला है वो अच्छा है, आप यहाँ पर इसको पहन के गेम्स भी खेल सकते हो, बहुत कंफर्टेबल तो नहीं है लेकिन हाँ इस प्राइस रेंज के हिसाब से अच्छा खासा कंफर्ट आपको प्रोवाइड करता है। बाकी अगले कंपोनेंट के बारे में बताऊं जो कि ये माउस पैड, देखो यार 1350 रुपये का ये माउस पैड है, ठीक है उस लिहाज से ये माउस पैड अपनी वैल्यू को ना थोड़ा थोड़ा कम जस्टिफाई करता है। ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर जो आपको माउस पैड टाइप मिलने वाला वो स्पीड टाइप है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वालिटी वाइज भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आपको अच्छे खासे कलर्स भी प्रोवाइड कर देता है। क्या है भाई कलर कैसे चेंज होता है? हाँ चेंज करता है, चेंज कर रहा है, ठीक है करता है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये प्रोडक्ट जो है वो ख़राब है, आपको नहीं लेना चाहिए, ये प्रोडक्ट अच्छा है, लेकिन जो प्रॉब्लम है ना वो इसकी प्राइस में है। कॉस्मिक बाइट का यहाँ पर आप सिमिलर माउस पैड आता है एग्जैक्ट सेम क्वालिटी के साथ आता है, वो मिलेगा आपको 1000 रुपये या 1100 रुपये का मिलता है, सेम चीज़ें ऑफर करता है, तो 200 रुपये आप वहाँ पर जाकर उस माउस पैड के साथ सेव कर सकते हो अगर आप चाहो तो। लेकिन अगर आप जेब्रोनिक्स जैसी ब्रांड के साथ ही जाना चाहते हो तो आप इसके साथ भी चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। लास्ट कंपोनेंट के बारे में अगर मैं आपको बताऊं जो कि है ये कीबोर्ड, भाई 5500 रुपये का ये कीबोर्ड क्या सोच के प्राइसिंग रखी है मुझे नहीं मालूम, मुझे तो ये खैर कीबोर्ड समझ में नहीं आया। 5500 रुपये आप क्या पे कर रहे हो, आपको बदले में क्या मिल रहा है मैं आपको बताता हूँ। जेब्रोनिक्स जेब मैक्स एक कीबोर्ड आता है इनका, दूसरे जिसमें रिस्ट रेस्ट नहीं होता, वो एग्जैक्ट सेम कीबोर्ड है आपको, वहाँ पर आपको RGB भी हालांकि नहीं मिलती है, वो कीबोर्ड आपको शायद 2500 रुपये के आसपास मिलता है, भाई वो आपको मच बेटर वैल्यू ऑफर करता है। आप यहाँ पर 3000 रुपये एक्स्ट्रा पे कर रहे हो जस्ट फॉर रिस्ट रेस्ट और RGB, दैट्स इट। वही दूसरी तरफ जब आप ये देखते हो कि 5500 रुपये की रेंज में दूसरे ब्रांड जैसे कि Corsair, Logitech जैसे बड़े ब्रांड आपको इससे मच बेटर कीबोर्ड ऑफर करते हैं, तो ये कीबोर्ड भले अच्छा ज़रूर है लेकिन अपनी वैल्यू को जस्टिफाई नहीं करता।
वही आप में तो जिन लोगों का बजट 2-3 हज़ार रुपये के आसपास है और आरजीबी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, तो आप लोग कॉस्मिक बार्ड, रेड गियर या रेड ड्रैगन जैसे कीबोर्ड को चेक कर सकते हो। उन ब्रांड्स के कीबोर्ड ना इसी प्राइस रेंज पे आते हैं, इससे मच बेटर वैल्यू ऑफर करते हैं। बाकी 5,000 रुपए में आ तो आपको भाई इससे मच बेटर कीबोर्ड मिल जाएंगे मार्केट में, वो भी बहुत ही अच्छी ब्रांड्स है। ओवरऑल मैंने अपना एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर कर दिया है, बाकी आप लोग की मर्जी। सारे प्रोडक्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप में से जो लोग इंटरेस्टेड है जाकर चेक कर सकते हैं। वैसे दोस्तों इस वीडियो में आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को बस जल्दी से लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, क्योंकि लाते रहते हैं डेली ऑसम कंटेंट। तो अंत तक देखने के लिए थैंक यू।